ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम समझते हैं आज की वीडियो में साप्ताहिक राशिफल और वो भी 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का। और डिस्क्लेमर यहां पर दे दूं कि लग्न के अनुसार ही इसको चेक करना है, किसी दूसरी पद्धति के अनुसार इसको चेक मत कीजिए। इस पूरे हफ्ते जो मेजर चेंजिंग होने वाला है, देखिए चंद्रमा जो रहेंगे वो कर्क राशि में एंट्री करेंगे और कर्क राशि से कन्या राशि तक ये पूरे हफ्ते में रहने वाले हैं। और मेजर ट्रांजिट जो हो रहा है 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन और 17 को जस्ट अगले दिन बात किया जाए तो मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा 17 और 18 को। तो ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इस राशि परिवर्तन होने के कारण प्रत्येक लग्न पर बहुत ज्यादा इंटेंसिव प्रभाव देखने को मिलेगा, बहुत तीव्र प्रभाव, इंटेंस प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं मेष लग्न वाले जातकों की। देखिए एक तो सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो रहा है मेष लग्न मतलब प्रत्येक लग्न में, और साथ में मंगल का भी राशि परिवर्तन, चंद्रमा जो रहेंगे कर्क से लेकर कन्या और एक दिन लास्ट में ये तुला राशि में भी प्रवेश करेंगे। तो मेष लग्न वाले जातकों का स्वास्थ्य जो रहेगा इस समय पूरे हफ्ते में फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से कहा जाए तो हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहने वाला है वो थोड़ा परेशानियों वाला रह सकता है। हालांकि माता पिता का सहयोग मिलेगा, भूमि वाहन मकान में निवेश करने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिएगा। भाग्य का सहयोग हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में नहीं मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी से दूर रहिएगा। और भाग्य का आंशिक सहयोग मिलने के कारण जो आध्यात्मिक कार्य है उसमें भी कुछ रुकावट के बाद कार्य सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए बेहतरीन बीतने वाला है। ये समय एक ऐसा समय रहेगा जहां पर संतान से सुख की प्राप्ति होगी और जिनको परेशानी चल रही थी, किसी प्रकार का मानसिक तनाव चल रहा था, किसी भी बात को लेकर, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, प्रेम प्रसंग को लेकर हो, आय के साधन को लेकर हो, वो सारी परेशानी अब खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहेगा वो आपके स्थान परिवर्तन का योग बना रहा है, जन्म स्थान से काफी दूरी पर जाकर ट्रैवलिंग करने का योग बन रहा है, या किसी ना किसी तरीके से व्यस्तता वाला दिन अंतिम 2 दिन दिखाई दे रहा है। इस पूरे हफ्ते अगर मैं बात करता हूं तो स्वास्थ्य थोड़ा फ्लक्चुएट दिखाई दे रहा है, आर्थिक स्थिति यथावत बनी रहेगी, मध्य में थोड़ा आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होते हुए दिख रही है, और कार्य व्यवसाय में स्थान परिवर्तन के योग या कार्य को लेकर अकस्मात यात्रा के भी योग आपके चार्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंध जो रहेगा वो आपका स्टार्टिंग के 2 दिन मधुर रहने वाला है, लेकिन बाद में कुछ मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए जो चंद्रमा का गोचर हो रहा है वो आपके पराक्रम भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। अब इस गोचर के कारण क्या होगा, एक तो आपका मान पद प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसमें कहीं पे भी डाउट ही नहीं। साथ में इस समय मित्र रिश्तेदार सभी आपको हर तरीके का सहयोग प्रदान करने की कोशिश करेंगे। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में हो सकती है। किसी भी प्रकार का साझा में काम इस समय नहीं करना, साझेदारी में काम करेंगे तो परेशानी बढ़ेगी। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें आर्थिक स्थिति अकस्मात बढ़ जाएगी, आय के साधन बढ़ेंगे, जो लोग नौकरी व्यवसाय के लिए तलाश कर रहे थे उनकी जो सफलता है वो जरूर नौकरी और व्यवसाय के लिए सफलता पूरे तरीके से चार्ट में दिखाई दे रहा है, और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी,
हफ्ते का जो अंत रहेगा वो भी आपके लिए अच्छा है। प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था वो खत्म होगा, और उधर संबंधित किसी प्रकार की लंबी परेशानी चली आ रही थी पिछले 15 दिनों से, तो वो भी खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। हर तरीके से जीवन साथी का सहयोग मध्य में और अंत में दिखाई देगा। प्रारंभिक 2 दिन में किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद हो सकता है। भाग्य का सहयोग केवल मध्य में और अंत में दिखाई देगा, और धार्मिक यात्रा अगर समय कर ले तो आपके लिए काफी बेहतरीन होगा। इसके बाद हम मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके लग्न के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। अब खुद चंद्रमा क्योंकि स्वगृही रहेंगे, अपने ही घर में रहेंगे, तो निश्चित रूप से पारिवारिक सुख बढ़ाएंगे, परिवार में एकता बढ़ेगी, वाणी मधुर होगी। किसी भी काम को करने से पहले आप 2 बार सोचिएगा, लेकिन जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। अकस्मात किसी तरीके का जल के कारण उधर संबंधित परेशानी उत्पन्न होना या जल दुर्घटना के योग हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में बन जाते हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए मेहनत, धन को लेकर काफी मेहनत करना पड़ेगा, अर्थात आर्थिक स्थिति के लिए काफी मेहनत करेगा। विशेष रूप से जो लोग दैनिक रोजगार के क्षेत्र में लगे रहते हैं, डेली कमाते और डेली खाते हैं, अगर इस तरीके का हिसाब है तो उनको काफी मेहनत करने के बाद उपार्जन आप कर पाइएगा। लेकिन फिर भी मित्र रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा और धर्म के प्रति झुकाव हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो अंत रहेगा आपके अंदर ऊर्जा का संचार जबरदस्त रहेगा और आपको सुख की प्राप्ति मिलेगी। आर्थिक रूप से किसी प्रकार की परेशानी जो मध्य में दिख रही थी वो समाप्त होगी, और हर तरीके से कहा जाए कार्य व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को लेकर दोनों ही में उन्नति होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित होने के लिए केवल हफ्ते का अंतिम 2 दिन श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए कर्क लग्न वाले जातकों के लिए जो चंद्रमा का जो गोचर होगा, एक तो आपके लगन भाव में रहेंगे, स्वगृही रहेंगे, और साथ में द्वितीय तृतीय भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा का जो ये गोचर रहने वाला है, एक तो चंद्रमा लग्नेश है, खुद लगन में बैठेंगे, तो बहुत सारी जो आपकी यात्राएं चल रही थी किसी भी तरीके का, बहुत सारी परेशानी चल रही थी उसमें अब रुकाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक लंबी दूरी की यात्रा अभी भी बची हुई है, उस यात्रा के बाद आपका मन जो रहेगा प्रसन्न रहेगा, कार्य के प्रति आपका समर्पण बढ़ेगा, कार्य व्यवसाय में पूरा डेडिकेशन लगाने के कारण कार्य को आप सफल कर पाइएगा। प्रारंभिक 2 दिन में जीवन साथी के साथ सहयोग और सुख की प्राप्ति आपको मिलेगी। आपका जो कार्य व्यवसाय है उसमें उन्नति के योग भी प्रारंभिक 2 दिन में दिखाई दे रहे हैं। किसी भी प्रकार का नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई भी नई जॉब को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो प्रारंभिक 2 दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। मध्य का जो 2 दिन रहने वाला है वो आपके लिए थोड़ा कष्टप्रद रह सकता है। उसमें परेशानी किस चीज की हो सकती है, उधर संबंधित कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी। हालांकि धन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, आर्थिक स्थिति बनी रहेगी, लेकिन अकस्मात दुर्घटना होने के योग जो है हफ्ते के मध्य में बन रहे हैं। हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार के शेयर सट्टा लॉटरी से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाग्य आंशिक रूप से केवल 7 देने वाला है, हालांकि धर्म के प्रति झुकाव इस पूरे हफ्ते के 7 दिन ज्यादा लगा रहेगा। हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन है, इस 2 दिन में निश्चित रूप से कहा जाए आत्मबल बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगा और साथ में धन के प्रति झुकाव भी बढ़ने वाला है। विद्यार्थी वर्गों के लिए सफलता इस हफ्ते के अंत तक आते आते दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ आपको पूरे हफ्ते में सहयोग मिलेगा। केवल मध्य का पार्ट जो है स्वास्थ्य दृष्टिकोण से थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए सिंह लग्न में चंद्रमा आपके लगन से ही द्वादश में रहेंगे, फिर लगन में, फिर द्वितीय भाव में जाएंगे, तो चंद्रमा का जो ये गोचर हो रहा है वो आपके लिए प्रारंभिक 2 दिन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है।
अकस्मात लंबी दूरी की यात्रा हो जाना, अकस्मात जो है आपकी ट्रैवलिंग जो है बढ़ेगी और साथ में खर्च बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा। एसिडिटी से आप त्रस्त हो सकते हैं, जिनको वैसे भी हाइपर एसिडिटी की समस्या है उनको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा समय है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, प्रारंभिक दो दिन है, हर प्रकार से खर्ची होने वाला है और धन हानि के योग भी प्रारंभिक दो दिन में बन रहे हैं। लेकिन मध्य का और अंत का पार्ट लगभग लगभग आपके फेवर में रहेगा। विदेशों से लाभान्वित भी हफ्ते के मध्य में आप हो पाइएगा और साथ में मन जो रहेगा थोड़ा जो परेशानियां चल रही थी प्रारंभिक दो दिन से उससे आप निकल पाइएगा, मन प्रसन्नचित रहेगा, मित्र रिश्तेदारों का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। प्रेम प्रसंग में अकस्मात किसी प्रकार का जो मनमुटाव चल रहा था वो मनमुटाव खत्म होगा और जिनके गर्व हानि के योग बन रहे थे वो भी अब खत्म हो रहे हैं। ओवरऑल रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए क्योंकि चंद्रमा सूर्य जो है स्वगृही हो जाएंगे तो थोड़ा सा अहंकार हफ्ते के अंतिम तीन दिन में थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है और इस कारण से जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। ओवरऑल बाकी जो हफ्ते का प्रारंभ है थोड़ा परेशानी वाला है, मध्य और अंत उतना ही श्रेष्ठ रहेगा। आर्थिक स्थिति अंत तक आते आते काफी अच्छी हो जाएगी, कार्य व्यवसाय में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। प्रारंभिक दो दिन उतने ही खराब रहेंगे, मध्य और अंत के जो पार्ट रहेंगे वो आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए कन्या लगन में बेसिकली चंद्रमा आपके इनकम में जा रहे हैं। आपका लग्नेश चंद्रमा को हमेशा परम शत्रु मानता है लेकिन स्वगृही रहेंगे, कर्क में रहेंगे तो चंद्रमा इनकम को बढ़ाने का प्रारंभिक दो दिन में पूरा प्रयास करेंगे। प्रेम प्रसंग में मधुरता बढ़ाएंगे और जीवन साथी का सहयोग भी यहाँ पर मिलने वाला है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस समय बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका सहयोग मिलेगा और जिनके कोई बड़े नहीं है उनको बुजुर्ग जो है जो भी आपसे बड़े हैं उन सभी को बड़ा ही माना जाएगा और उनसे आपको सहयोग जरूर यहाँ पर मिलेगा। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला उसमें अकस्मात खर्चे जो रहेंगे बढ़ जाएंगे, खर्च पे खर्च बढ़ने के कारण मानसिक तनाव होगा, आर्थिक स्थिति जो है मध्य में बहुत खराब हो सकती है। अकस्मात कोई ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जो आपने प्लान नहीं किया था और उस कारण से मानसिक स्थिति जो है थोड़ी सी खराब हो सकती है, लेकिन फिर भी हफ्ते का अंत आते आते आपके पक्ष में रहेगा। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि जीवन साथी का सहयोग प्रारंभ में और अंत में आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। मध्य के पोर्शन में थोड़ा जीवन साथी की परेशानी जो है उससे जीवन साथी का सपोर्ट ना मिलने के कारण मन जो है थोड़ा दुखी रहेगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल रिजल्ट जो रहेगा कार्य व्यवसाय के लिए और धनोत्पार्जन के लिए और शिक्षा के लिए हफ्ते का प्रारंभ और अंत जो है वो आपके फेवर में रहने वाला है। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा आपके कार्य व्यवसाय में जा रहे हैं प्रारंभिक दो दिन, उसके बाद आपके इनकम में रहेंगे, फिर वो ट्रैवलिंग पे वाले पोजीशन पे पहुंचेंगे। तो हफ्ते का प्रारंभिक पांच दिन की बात किया जाए, प्रारंभिक मध्य शानदार बीतेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। कार्य व्यवसाय में आपके कार्यों की सराहना की जाएगी, आत्मविश्वास कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा। हालांकि कुछ टारगेट बेसिस आपको कार्य दिए जा सकते हैं जिसके कारण थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ता हुआ आप देखिएगा, थकावट की अनुभूति कीजिएगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल रिजल्ट आपके फेवर में ही जाएगा। आय के साधन हफ्ते के मध्य में बढ़ते हुए दिखाई देंगे, भाग्य का सहयोग पूर्ण सहयोग हफ्ते के प्रारंभ में और मध्य में दिखाई देगा। हफ्ते का जो अंत रहने वाला है उसमें खर्चों की संभावना ज्यादा होगी और एसिडिटी की समस्याओं से त्रस्त रहिएगा इस समय, और किसी को भी अपने गुप्त बातों को शेयर करेंगे तो न्यायिक मामलों में आपको असफलता मिल जाएगी। इसलिए कोई भी न्यायिक मामले में किसी बात का जिक्र किसी के साथ आपको नहीं करना चाहिए और ओवरऑल जो कंडीशन बन रही है इस समय हफ्ते का मध्य और हफ्ते का प्रारंभ आपके फेवर में रहने वाला है। इस हफ्ते एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होने वाली है कि काफी दिनों से कुछ योजना बनाकर चल रहे थे जो परिपूर्ण नहीं हो पा रहा था, इस हफ्ते वो परिपूर्ण हो जाएगा और फिर योजनाबद्ध तरीके से आप आगे काम करेंगे। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक
वृश्चिक लग्न में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके भाग्य भाव में रहेगा, पिता भाव में रहेगा, साथ में दशम भाव में और एकादश भाव में रहेगा। तो किसी एक लग्न के लिए सबसे बेहतरीन अगर ये समय बीतेगा तो वो कर्क लग्न का होने वाला है। कर्क लग्न में चंद्रमा जो रहेंगे भाग्य में रहेंगे, भाग्य का आपको सहयोग देने वाले है। और बाकी ग्रहों की भी जो प्लैनेटरी पोजिशन मुझे दिखाई दे रही है, चाहे वो मंगल की पोजिशन की बात किया जाए, चाहे वो सूर्य की पोजिशन दिखाया जाए, इस समय सर्वाधिक अच्छी युति जो है वृश्चिक में बनी है। सूर्य जहाँ दशम भाव में दिशा बनी होकर स्ट्रॉन्ग पोजिशन देगा, योग कारक बनने के कारण आपको अच्छा रिजल्ट देगा, वहीं पर भाग्य का मालिक भाग्य में रहने के कारण भाग्य में वृद्धि होगी। हर तरीके से ये समय आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा। मित्र रिश्तेदारों के साथ संबंध आपके मधुर होंगे और आय के साधन भी आप बढ़ा पाइएगा। लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी तैयार आपको रहना चाहिए। मध्य कार्य व्यवसाय में कार्य को लेकर आपकी सराहना होगी, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई नया काम करना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार का नया मकान लेना चाहते हैं या नई वाहन लेना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए मध्य का सबसे अच्छा रहने वाला। आर्थिक स्थिति में उन्नति के पूरे पूरे योग दिखाई दे रहे हैं और जो परेशानियां चल रही थी अब वो परेशानियां खत्म हो रही हैं। हर तरीके से आय के साधन का बढ़ना, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलना और रोग की समाप्ति होना, ये सभी वृश्चिक लग्न के लिए ये पूरा हफ्ता अच्छा बीतेगा। अब हम धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए धनु लग्न वाले जातकों के लिए ये जो पूरा हफ्ता रहेगा, प्रारंभिक दो दिन क्योंकि चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, अष्टम का दोष भले ही नहीं लगता है लेकिन हर प्रकार के रोग को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हर प्रकार के कार्यों में डिले करेंगे, लेकिन जो लोग रिसर्च डेवलपमेंट में जुड़े हैं उनके लिए सफलता के योग भी यहाँ पर आ रहे हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें काम रुक रुक के बनेंगे लेकिन अंत में बनेंगे। मान पद प्रतिष्ठा कार्यस्थल पर बढ़ेगी और मित्र रिश्तेदारों का सहयोग भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। कई दिनों से रुका हुआ जो कार्य था उसके पूर्ण होने के कारण आत्मविश्वास आत्मबल यहाँ पर बढ़ेगा और संतान से सुख की प्राप्ति होगी, प्रेम प्रसंग यथावत बने रहेंगे। हफ्ते का मध्य और अंत कहा जाए वो दोनों आपके फेवर में रहने वाला है। भाग्य का सहयोग भी हफ्ते के मध्य और अंत में दिखाई देगा। ओवरऑल इस पूरे हफ्ते जो मेजर चेंजिंग आ रहा है उसमें दूर संचार माध्यमों से एक खुशखबरी कहा जाए, पॉजिटिव न्यूज जो है वो पूरे घर में आएगी, जिसके कारण पूरे परिवार के सदस्य जो रहेंगे वो उनको खुशियों का पल साथ में व्यतीत करने का मौका मिलेगा और हर तरीके से ये समय आपके अनुकूल रहेगा। लोन इत्यादि के लिए कोई लोग प्रक्रिया अगर करना चाहते हैं और धनु लग्न के लिए है तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा, लेकिन प्रारंभिक दो दिन जो रहेगा उसमें आपको किसी ना किसी प्रकार की रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। मकर लग्न की बात करते हैं। देखिए मकर लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा आपके सप्तम स्थान पे जाएंगे, अष्टम में जाएंगे और नवम में जाएंगे। निश्चित रूप से हफ्ते का प्रारंभिक दो दिन क्योंकि स्वगृही चंद्रमा रहेंगे, सप्तमेश होकर सप्तम में रहेंगे, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ सहयोग अच्छा रहेगा, प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी और साथ में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो बातों को आप बहुत तेजी से बोल रहे थे बीच में और स्पष्ट रूप से मुंह पर बोल रहे थे, एग्रेशन अंदर से आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, वो अभी गुस्से खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और हर काम को पेशेंसली करने का योग भी यहाँ पर बन रहा है। धैर्य के साथ कार्यों को आप करेंगे और यही धैर्य आपके लिए हफ्ता अच्छा बना देगा। हफ्ते के मध्य में हालांकि कुछ परेशानी भी रहेगी और आपके जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का दूरी बन सकता है, किसी प्रकार के वाद विवाद हो सकते हैं, पार्टनरशिप में किसी प्रकार के वाद विवाद होने की संभावना यहाँ पर बन रहा है, लेकिन फिर भी आपके लिए जो मध्य रहने वाला है आर्थिक दृष्टिकोण से उतना ही अच्छा रहेगा। पुराने फंसे हुए धन की प्राप्ति मिलने से मन काफी प्रसन्न रहेगा। रिसर्च डेवलपमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सफलता नहीं मिलेगी लेकिन अपने दिशा में उनको काफी मेहनत अभी करना पड़ेगा। हफ्ते का अंतिम दो दिन भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है और साथ में पिता का सहयोग भी मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहे लीगल केस में सफलता मिलेगी और हर तरीके से
संतान का सुख कहा जाए या बाकी दूर संचार माध्यमों से आप लाभान्वित होंगे। हफ्ते का प्रारंभिक और मध्य अंत अच्छा है, मध्य में कुछ परेशानी अवश्य दिखाई दे रही है। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो आपके लगन के सापेक्ष में अगर आप देखिएगा तो एक तो छठवें घर में, सातवें घर में, आठवें घर में, तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए वैसे ही थोड़ा टेंशन वाला ही हफ्ता रहने वाला है। कोई भी काम एक बार ना बनने के कारण मन जो रहेगा उदास रहेगा। एक तो धन की प्राप्ति होगी नहीं और खर्च भी ज्यादा होगी, तो सेविंग कम होते हुए मुझे कम से कम कुंभ लगन वाले जातकों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मानसिक चिंताएं ऊपर से और बेचैन करेगी, मन किसी भी कार्य में जल्दी लगेगा नहीं। हफ्ते का प्रारंभिक दो दिन अस्पतालों के चक्कर काटना और अगर लीगल केसेस हैं तो उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी। हफ्ते का जो मत रहेगा वो आपके लिए कंपैरेटिवली फिर भी ठीक है। रोग किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो उससे थोड़ी मुक्ति मिल जाएगी, कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, कुछ मानसिक शांति जरूर हफ्ते के मध्य में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साझेदारी में कोई नया काम करना हो तो इस हफ्ते बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए, परेशानी उठाना पड़ेगा। और साथ में आपका जो आत्मविश्वास है इस पूरे हफ्ते आपको मिल नहीं पाएगा। आप लाख कोशिश करेंगे लेकिन कार्य अपूर्ण होने के कारण थोड़ा उदास रहेंगे। और नौकरी व्यवसाय को लेकर स्थान परिवर्तन का के लिए अगर सोच रहे हैं तो ये समय उचित नहीं है। आपको बेहद सावधानी के साथ इस पर काम करना चाहिए जिससे कि आने वाला जो समय रहे आपके फेवर में रहे। ओवरऑल कहूं तो हफ्ते का प्रारंभ और अंत जो है काफी परेशानियों वाला रहेगा। उधर संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, अस्पतालों की यात्रा तक करा सकता है, जेल यात्रा के योग भी बनाता है। इसलिए बेहद आपको सावधान रहना चाहिए कि किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के केस में आपको असफलता मिल जाए, इसलिए आपको अपने गुप्त बात को किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। अंतिम लगन की बात करते हैं, मीन लगन। देखिए मीन लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के सापेक्ष में पंचम भाव, षष्ठम भाव और सप्तम भाव में चंद्रमा रहेंगे। हफ्ते का प्रारंभिक दो दिन, अंतिम दो दिन आपके फेवर में ही रहने वाला है। आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, संतान के स्वास्थ्य में जो गिरावट थी उसमें रिकवरी देखने को मिलेगी और साथ में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक एकजुटता देखने को यहाँ पर जरूर मिलेगा। इसके अलावा मध्य में लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनते हैं, एसिडिटी इत्यादि की समस्याएं या स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। कार्य व्यवसाय में भी यात्राओं के योग अकस्मात बनते हैं। पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट होने के कारण मन जो रहेगा थोड़ा दुखी रहेगा, लेकिन फिर भी आपको धैर्य से काम करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप अगर करते रह रहे हैं तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत इस पूरे हफ्ते में नहीं रहेगी। और आपको इस समय सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए कि हफ्ते का मध्य आपको इतना परेशान कर देगा कि डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। हफ्ते के मध्य में कोई भी चीज में एग्रेशन मत दिखाइएगा, कोई भी चीज में जल्दीबाजी नहीं दिखाइएगा, नहीं तो उल्टा निगेटिव असर हो सकता है। हफ्ते का अंत फिर भी अच्छा रहेगा। हफ्ते के अंत में आपके प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, दूर संचार माध्यमों से भी लाभान्वित होंगे और बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा। कार्य व्यवसाय के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है और स्वास्थ्य को लेकर केवल हफ्ते का जो मध्य है वो चिंताओं से परिपूर्ण रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का आगामी हफ्ता 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त कैसा बीतेगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नियम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।